पुराने प्रेमी लव लेटर भेजा करते थे, आजकल के प्रेमी SMS भेजते हैं, और कुछ तो इतने रोमांटिक होते हैं कि MMS भेजते हैं। पुराने जमाने में शाहजहां ने अपने प्यार को जाहिर करने के लिए ताजमहल बनवाया, अब आजकल के मॉडर्न आशिक की इतनी औकात तो है नहीं, तो वो क्या करता है, वो ताजमहल का टैटू बनवा लेता है कि फीलिंग्स की फीलिंग्स कन्वे हो गई और बजट का बजट कंट्रोल हो गया। तो अब ऐसा ही एक मॉडर्न आशिक, 5 मिनट रुक जाइए, कभी आने वाले हैं, मुझे पता है कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, कृपया उसका प्रयोग यहां ना करें। मॉडर्न आशिक अपनी गर्लफ्रेंड के बाप से उसका हाथ मांगने जाता है, तो इंटरव्यू का सीन किस तरह से है देखिए। लड़की का बाप पूछता है, अच्छा बेटा तो आप क्या करते हो? अंकल मैं नेट से वीडियोस डाउनलोड करता हूं। अच्छा बेटा अपलोड नहीं करते? अंकल खड़गपुर की लाइन की स्पीड तो आप जानते हैं। अच्छा बेटा तो आप यंगिस्तान के हो, ये सब तो लेते ही होंगे? अंकल मैं ये सब नहीं लेता, मैं सिर्फ मजे लेता हूं। मजे? किसके मजे? किसी के भी, जैसे इस वक्त मैं आपके मजे ले रहा हूं। अच्छा सिगरेट वगैरह तो पीते ही होगे कूल दिखने के लिए? हाँ अंकल सिगरेट थोड़ा बहुत पी लेता हूँ, हर दिन पीता हूँ, बस मंगलवार छोड़ के। क्यों मंगलवार को क्यों नहीं पीते? दारू पीता हूँ अंकल, उस दिन मैं सिर्फ गांजा पीता हूँ। अच्छा कितने सिगरेट पीते हो दिन के? अंकल दिन का तो पता नहीं, लेकिन दिन का एक लाइटर खत्म हो जाता है। अच्छा बेटा तो आप दहेज वहेज कुछ लोगे? अंकल जैसे मैंने बताया मैं सिर्फ मजे लेता हूं। तो अब ये मॉडर्न प्रेमिका अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है, उसके घर वालों से मिलती है, तो दृश्य किस तरह का होता है? अच्छा बेटा आप क्या करते हो? अंकल मैं फेसबुक पे फोटोज टैग करती हूँ, और कभी कभी मूड अच्छा हो तो पोक भी करती हूँ। अच्छा बेटा अपने नेचर के बारे में कुछ बताओ, नेचर के बारे में, आप तुम्हारा नेचर कैसा? अंकल मेरा नेचर तो ऐसा है कि क्या बताऊं, मैं बहुत ही यूजर फ्रेंडली हूँ, मैं 24 साल की हूँ लेकिन मेरा दिल जो है एकदम बच्ची जैसा है, मैं किसी की भी गोद में चली जाती हूँ। मिला दे बे। आप अपने घर वालों के बारे में कुछ बताओ, आपके पिताजी क्या करते हैं? जी पिताजी वो क्या वो भी फेसबुक पे पोक करते हैं? नहीं अंकल, नाइस जोक, LOL। पिताजी का बिजनेस है आजकल तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन पहले पहले बहुत बुरे दिन थे, लेकिन वो इतने खुददार थे कि कभी भी किसी से उधार की रोटी नहीं खाई है, जब भी खाया बटर नान खाया। फिर वो पूछता है कि अच्छा बेटा ये बताओ कि हम एकदम ब्राह्मण घराने से, हम एकदम प्योर वेज हैं। तो वो लड़की कहती है कि अंकल आई एम ऑल्सो प्योर वेज, नॉन वेज में सिर्फ जोक्स। अंकल नॉन वेज जोक्स सुन के तो मैं ROFL हो जाती हूँ। अच्छा बेटा आप नॉन वेज जोक्स सुनाते हो, आपको शर्म नहीं आती? अंकल आजकल वेज जोक्स में हंसता कौन है बताइए, दो ही तो वैरायटी, एक हाथी चींटी और एक संटा बंटा, आगे हाथी कब तक चींटी के बच्चे की मां बनती रहेगी। तो इन्हीं ठावकों के बीच मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा इस मंच पर आगरा के एक मशहूर कवि का, जो इस संस्थान में 3 बार आ चुके हैं और हर बार जितनी बार वो आए हैं यहां पर ठहाके गुंजे हैं। कृपया तालियों के बीच में स्वागत कीजिए श्री रमेश मुस्कान जी का। हमारे दूसरे कवि को आपने टीवी पर भी सुना होगा, देखा होगा, ये ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के सेमीफाइनलिस्ट रह चुके हैं और अपने कविताओं से ओए गुरु करके श्री नवजोत सिंह सिद्धू को बहुत हंसाया। कृपया तालियों के बीच में स्वागत कीजिए श्री दिनेश बावरा जी का। हमारे तीसरे कवि जयपुर से आए हैं, इन्होंने काफी सारे राजस्थानी और हिंदी गानों के गीत लिखे हैं, ये बड़ी सरलता से अपनी कविताएं कह जाते हैं और इनकी कविताएं बड़ी सरलता से आपके दिल को छू जाती हैं और आपको जीत लेती हैं। कृपया तालियों के बीच में बुलाइए श्री संपत सरल जी को।
ख्याल से आप जानते होंगे कि हमारा चौथा कवि कौन है। यो जी, ये पिछले दो वर्ष यहाँ पर आए थे और इस वर्ष इनका आने का मन नहीं था। इन्होंने ऐसा कहा कि अगर मैं खड़गपुर इतनी बार आ चुका हूं कि यहाँ की भेड़ बकरियां भी मुझे पहचानने लगी, लेकिन फिर भी खड़गपुर में हास्य कवि सम्मेलन हो और ये ना आए तो अगले दो शब्द पे हाथ खड़े कर दीजिएगा और तालियों के बीच में स्वागत कीजिएगा श्री कुमार विश्वास। एक तो ये करिए कि पीछे जो लोग हैं तक लाइट पहुंचा दीजिए, क्योंकि अगर कविता समझ